नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 9 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 18मो, जेनु नाम छे अंधेरी नगरी। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नो अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल में नवा होय तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना नवा वीडियो पण आपने मळता रहे। तेमज विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर माथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडी 1-12 गुजराती डाउनलोड करी तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो, जे एकदम फ्री छे, जेमां आपने बधा धोरणोनी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेमां वीडियो पर क्लिक करशो तो वीडियो जोवा मळशे अने अन्य साहित्य पर अथवा तो पीडीएफ पर क्लिक करशो तो तमने पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखू छू अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे, जरूरथी डाउनलोड करजो मित्रों, जे एकदम फ्री छे। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 18 अंधेरी नगरी। प्रश्न है कि एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए, जेमा पहला प्रश्न छे, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया? तो महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। बीजो प्रश्न, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? तो अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सिर भाव बिकता था। तीसरा प्रश्न, कसाई ने भेड़ किसके मोल ली थी? तो कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। चौथा, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? तो महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहां टका सिर भाजी और टका सिर खाजा मिलता हो। पांचवा, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? तो राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा। प्रश्न 2, 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया? तो गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी, गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। दूसरा प्रश्न, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? तो बकरी के मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चुने वाले भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। तीसरा प्रश्न, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई? उत्तर, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोषी की परवाह नहीं थी, उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। चौथा प्रश्न, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? उत्तर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उनके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुज्जत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। पांचवा प्रश्न, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? उत्तर, कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है।
राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ के झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। प्रश्न 3 आज से स्पष्ट कीजिए। पहला, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। उत्तर, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहठ बन गई। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर भी नहीं रहना चाहते। दूसरा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। तीसरा, कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली? चौथा, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। पांचवा, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला, न्याय मांगने वाला फरियादी। दूसरा, तरकारी बेचने वाली स्त्री कुंजड़िन। चमड़े की खाल का बड़ा थैला मशक। भेड़ बकरे चराने वाला गडरिया। और मिठाई बेचने वाला होता है हलवाई। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं बड़ा पाठ 18 अंधेरी नगरी ना स्वाध्यायना प्रश्नों ने तेना जवाबों पूरा थाय छे। आगळना पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों ने तेना जवाबों मेळवा माटे मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। तेमज पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर माथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडीएफ थी बार गुजराती डाउनलोड करो। जेमां आपने धोरण 9 तमाम विषय ने स्वाध्याय सोल्यूशन स्वाध्यायपोथी सोल्यूशन नी पीडीएफ जोवा मळशे, जे एकदम फ्री छे। तो जरूर थी डाउनलोड करजो मित्रों। फरी मळीशुं पाठ 19 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।